भारत में हर साल औसतन 1.5 लाख रोड एक्सीडेंट होते हैं। इन एक्सीडेंटों में 40,000 से अधिक लोग अपनी जान गंवा देते हैं और 1 लाख से अधिक लोग घायल हो जाते हैं। इसे बचने के लिए सरकार अपने स्तर पर कई कदम उठा रही है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार सड़क सुरक्षा को लेकर सजग है। देश में सड़कों की गुणवत्ता में सुधार के बाद सड़क सुरक्षा ऑडिट करा के दुर्घटनाओं को कम करने के उपाय निकाले जाएंगे। गडकरी ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान कहा कि सड़क गुणवत्ता में सुधार के बाद तेज रफ्तार वाहनों से दुर्घटना बढ़ रही है और इस संबंध में सड़क सुरक्षा का ऑडिट किया जा रहा है। उन्होंने कहा, हम सड़क सुरक्षा को लेकर सजग हैं। देश में हर सड़क का ऑडिट करके जनता के सहयोग से उपाय निकालेंगे। गडकरी ने राजमार्ग पर जानवरों के आने से होने वाली दुर्घटना को लेकर भी राज्य सरकार को सलाह देने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि देश के अनेक राज्यों में अच्छे राजमार्ग बने हैं जिन पर रात को किसान अपने जानवर छोड़ देते हैं। उन्होंने कहा कि जानवर रास्ते के बीच में आ जाते हैं जिसके कारण दुर्घटना होती है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राजमार्ग पर इस तरह से जानवर आने से रोकने के लिए राज्य सरकार को कोई कानून बनाकर दिशा निर्देश देने पड़ेंगे। रोड एक्सीडेंट अलग अलग कारणों से होते हैं, इनके बहुत से कारण होते हैं। अब सरकार इसको लेकर कितनी काम करती है वो देखने वाली बात होगी, लेकिन कहते हैं कि अपनी सुरक्षा अपने हाथों में होती है, तो रोड एक्सीडेंट से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं ये भी आप जान लीजिए। व्हीकल को तेज स्पीड पे ना चलाएं, ड्राइविंग करते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें, शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं, यातायात नियमों का पालन करें, अपने वाहन की नियमित मरम्मत और रखरखाव करें, सड़क पर सावधानी बरतें और सतर्क रहें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।